सो so, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में इससे पहले हमने डोमेस्टिकेशन के बारे में पढ़ा जिसमें मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिकेशन क्या होता है प्लांट्स के केस में जब हम वाइल्ड स्पीशीज़ जो जंगली प्रजातियां थी उनको जब ह्यूमन मैनेजमेंट के अंडर लेके आते हैं उनको जब हम कल्टिवेट करते हैं खुद से उनको जो इन्वायरमेंट कंडीशन हैं उन सभी कंडीशंस का ध्यान रखते हैं ह्यूमन मैनेजमेंट कंडीशन के अंडर लेके आते हैं उन वाइल्ड uh, स्पीशीज़ को जो फॉरेस्ट में खुदी Uh, जो है लग जाती हैं ठीक है सो नाउ so अभी हम मूव ऑन करेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन के ऊपर प्लांट की इंट्रोडक्शन तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा सिंपल ये टॉपिक है इंट्रोडक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है जब कोई नई चीज़ होती है उसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो सिमिलरली प्लांट्स के केस में क्या है जब कोई नई वराइटी आती है हमारी फील्ड में या कल्टिवेट करने के लिए जब हमारे पास नई वरायटी आती है तो उसको हम प्लांट इंट्रोडक्शन बोलते हैं टेकिंग अ जीनोटाइप और अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स या ग्रुप ऑफ जीनोटाइप्स आप बोल सकते हो इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम जो जीनोटाइप होता है जिसकी डिफरेंट जीन्स होती हैं जो कि नॉर्मली हम जो कल्टीवेट करते हैं उससे डिफरेंट होती हैं या ग्रुप ऑफ प्लांट कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ हैं जो प्लांट की उनको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे इनटू अ न्यू इन्वायरमेंट कंडीशन जहाँ पर वो रहना नहीं जानती हैं राइट right. सो so, इसमें हम क्या करेंगे नए इन्वायरमेंट कंडीशन पे जब कोई नए प्लांट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं या ऐसा वैरायटी जिसका जो जीनोटाइप है वो नया है ठीक है जो जीन्स है वो नई है जो पहले इस तरह के जो वैरायटी है वो पहले हमारी फील्ड के ऊपर नहीं उगाई जाती है नहीं कल्टिवेट की जाती है सो so, ऐसे टाइप को हम क्या बोलते हैं प्लांट की इंट्रोडक्शन करना ठीक है दे वर नोट बींग ग्रोन बिफोर वट दैट प्लांट ओके टेकिंग अ जीनोटाइप और अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स इनटू अ न्यू इन्वायरमेंट कंडीशन वेयर दे वर नॉट बीइंग ग्रोन बिफोर जहां पर वो उससे पहले ग्रो नहीं किए गए उस इन्वायरमेंट कंडीशंस में सो द दिस इंट्रोडक्शन इन्वॉल्व अ न्यू वराइटी सो इंट्रोडक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है जब हम नई वराइटीज़ को क्या करते हैं इंट्रोड्यूस करवाते हैं एग्जाम्पल जैसे ग्रेप ग्रेप की कल्टिवेशन की गई पहली बार हरियाणा में जहाँ हरियाणा में वो नॉर्मली नहीं ग्रो करती व्हीट की वेस्ट बंगाल में और राइस की पंजाब में जो कल्टीवेशन की गई अभी हम मूव ऑन करेंगे कि इसकी प्लांट इंट्रोडक्शन की क्लासिफिकेशन क्या है दो बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं इसको प्राइमरी इंट्रोडक्शन एंड सेकेंडरी इंट्रोडक्शन प्राइमरी इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इसमें जो हम जो नई वैरायटी इंट्रोड्यूस करते हैं ना वो ऐसी वैरायटी होती है जो उस नए इन्वायरमेंट कंडीशन में वेल well सूटेड होती है ठीक है उसके लिए वो इन्वायरमेंट नया नहीं होता है ऐसी वराइटीज़ जो उस इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है ठीक है नई बिल्कुल भी नहीं होंगी ठीक है तो उसे प्राइमरी इंट्रोडक्शन बोला जाएगा अभी इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम रिलीज़ करते हैं जो नई वैरायटी होती है उसको कल्टीवेशन के लिए विदाउट एनी अल्ट्रेशन इन द ओरिजिनल जीनोटाइप प्राइमरी इंट्रोडक्शन बेसिकली प्राइमरी इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा सिंपल टर्म में अगर आप इसको डिफाइन करते हैं इसका मीनिंग है जो वाइल्ड स्पीशी आपने ली है ना उसको एज इट इज़ आपने उसमें जीनोटाइप में बिल्कुल भी अल्ट्रेशन नहीं करनी उसकी मैनिपुलेशन नहीं करनी जीन्स की ठीक है एज इट इज़ जो जैसी वो है उसे डायरेक्टली हम किस में लगाने वाले हैं उसको डायरेक्टली हम अपने फील्ड पे उगा देंगे कल्टिवेट कर देंगे तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन लेकिन वह वैसी वही अगर आप एग्जाम्पल लो वाइल्ड स्पीशीज़ की जब हम उसमें अल्ट्रेशन कर देते हैं ताकि जब हमने उसको नई अपनी फील्ड में लगाना है नए इन्वायरमेंट में लगाना है तो वो जो है अल्टर कर करके लगे और उसकी जो वैरायटी है वो हमारे लिए क्या हो इम्पॉर्टेंट हो तो उसे हम बोलते हैं स्कैंड इंट्रोडक्शन हेयर द इंट्रोड्यूस वैरायटी मे बी हाइब्रिडाइज विद लोकल वैरायटी जो लोकल वैरायटीज है ना इसको आ, उस लोकल वैरायटी के साथ जो हमारे पास इंट्रोड्यूस वैरायटी है इंट्रोड्यूस वैरायटी कौन सी होगी जो आपकी वाइल्ड वैरायटी होगी ठीक है या फिर ऐसी वैरायटी जो आपकी कंट्री में नहीं लगती है दूसरी कंट्रीज़ में अवेलेबल है वो वैरायटी तो उस वैरायटी को जब आप अपनी लोकल वैरायटीज के साथ हाइब्रिड टाइज करवाते हो तो उसको हम काम पर लगाते हैं अपने कल्टीवेशन करने के लिए अपने फील्ड के ऊपर तो उसे हम कौन सी Uh, बोलेंगे इंट्रोडक्शन सेकेंडरी इंट्रोडक्शन ठीक है सो so, इसमें टू ट्रांसफर वन और फ्यू करैक्टरस्टिक्स इसमें हम क्यों लगाते हैं नई वैरायटी के साथ हाइब्रिडाइज क्यों कराते हैं ताकि नए और ज़्यादा अच्छे के करैक्टर जो है वो नए करैक्टर्स जो हैं आए मच कॉमन मैथड है ये वाला जो आपका सेकेंडरी इंट्रोडक्शन है ना ये ज़्यादा कॉमन मैथड है देन योर प्राइमरी इंट्रोडक्शन मैथड प्राइमरी में हमने जस्ट क्या किया सिंपल से नई जो वैरायटी थी मान लो फॉरन कंट्री में जो वैरायटी थी उसको हम अपने में उगा एज इट इज सेम टू सेम ठीक है सो so, ये आपकी प्राइमरी की एग्जाम्पल आ गई लेकिन सेकेंडरी की एग्जाम्पल अगर वैसे ही आप उसको मॉडिफाई करो तो सेकेंडरी में हम, हमने इसको ए, इस तरीके से नहीं किया सेकेंडरी में हमें जस्ट क्या करा हमने स्कैंडरी में हमारे पास जो फॉरेन वैरायटी थी उसके साथ लोकल वैरायटी को हाइब्रिडाइज करा और जो नई अब इन दोनों से नई हाइब्रिडाइज्ड वैरायटी हाइब्रिड आया उसको हम अपने बेनिफिट के लिए उगाएंगे उसको हम कल्टीवेट करेंगे सो थैंक यू सो मच डैट्स ऑल इसी के साथ हमारा ये छोटा सा टॉपिक भी कम्प्लीट होता है